अध्यक्ष जी, बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र के बुनियाद को मजबूत कर देने का। एक क्रांति हुई और इस क्रांति का फल आज देखने को मिल रहा है। आज का दिन विश्व के इतिहास में अपना सानी नहीं रखता, शायद ही दुनिया में इस तरह की राजनीतिक घटना घटी हो जब इतनी राजनीतिक संस्थाएं जो शायद थोड़े ही दिन पहले एक दूसरे से के प्रतिद्वंदी थे, मिलकर के एक साथ हो गए एक लक्ष्य को, एक उद्देश्य को सामने रखकर। इस चुनाव में अपूर्व विजय हुई है और सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी ये रही कि जब चुनाव में जाति और धर्म के द्वारा बहुत कुछ उत्तेजना भी फैलती थी और निर्णय भी हो जाते थे, इस चुनाव में दोनों बातें भुला दी गई। जरूरत इस चीज की है कि जिस एकता की सृष्टि चुनाव में हुई उस एकता को हम आगे भी बढ़ा सकें और ख्याल रखें कि जनता की सरकार जो बनी है वो सही माने में जनता की सरकार बन जाए, जो समाज के प्रत्येक वर्ग ये महसूस करने लगे कि ये सरकार हमारी है और हमारी आकांक्षाएं ही ये पूरा नहीं करेगी बल्कि हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहे होंगे उन अन्याय को भी यथाशीघ्र दूर कर देगी। इस सरकार की सफलता उस पर भी निर्भर करेगी जब हम भारत के अल्पसंख्यकों के भीतर ऐसा एक दृढ़ विश्वास पैदा कर सकेंगे कि वो समझेगा कि हमारा हित हमको सुरक्षित नहीं रखना है बल्कि हमारा हित बहुसंख्यकों के हाथ में सुरक्षित है। भारत की बदकिस्मती इतिहास की यही रही है कि अल्पसंख्यक बराबर अपने आप को कुछ हीन भावना से ग्रसित समझता रहा। उस भावना को हम दूर कर सकें तो मैं मानूंगा कि एक जबरदस्त मजबूत समाज की सृष्टि होगी जो भारत की राष्ट्रीयता को इतना सबल बना सकेगी कि वो कभी किसी भी झकझोरे से कमजोर नहीं बन सकेगा। हमारा देश एक गरीब देश है और हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी की है। बहुत सी समस्याएं हमारे सामने हैं, वो इस वजह से भी हैं कि वो गरीबी से निकलती हैं। ये छोटी बात नहीं है कि हम गरीबी को जल्दी दूर कर सकें, लेकिन जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अगर अपने हम समाज की परंपरा को बदल सकें तो इसमें संदेह नहीं है कि जितना साधन हमारे पास उपलब्ध है उस साधन से ही अपने यहाँ उत्पादन को अधिक बढ़ा सकते हैं और इसके साथ ही साथ अगर हम अपने आर्थिक संबंधों में ऐसा परिवर्तन कर सकें जो सही माने में देश का दौलत उत्पादन करने वाला है, वो महसूस करे कि देश में दौलत जो उत्पादन होता है उससे उसको भी कुछ लाभ मिलने वाला है।